सो सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 और टैब S8 Plus के रिगार्डिंग न्यूज निकल के आई है। ऑफिशियली ये लीक हो चुका है और ये जो लीक है वो आई है एंड्रॉइड हेडलाइंस की तरफ से। और ऊपर से ये बंदा अपने ट्वीट में ऐसी बात बोल देता है जो मुझे बहुत वियर्ड सी लगती है, क्योंकि ये चीजें अभी से लिस्ट नहीं होती है वेबसाइट पे, बट उनके लॉन्च होने से पहले अभी के टाइम पे उनके प्रोटोटाइप्स पे काम चलता है। ऐसे हर कोई प्रोडक्ट्स के साथ सीन होता है, बट ये अपने ट्वीट में बोलता है कि भाई सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 एंटरप्राइज एडिशन अपीयर्स ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये सैमसंग की कोई ना कोई वेबसाइट होगी कहीं की भी, तो उस पे वो एग्जैक्टली लिस्ट हुआ होगा, तो भाई ये बंदे ने उसको एग्जैक्टली कोडिंग में पकड़ा होगा, तो ऐसा कुछ सीन होगा। बट स्टिल ये जो न्यूज़ दे रहा है वो आपको बता देते हैं। और इसने स्पेसिफिकेशन भी निकाल दी है टैब S8 और टैब S8 Plus। और एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत सारे रूमर्स है कि भाई उसका डिज़ाइन जो है सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 जैसा ही होने वाला है, हल्का फुल्का माइनर सा डिफरेंस होगा। उसका चिपसेट कैसा होने वाला है, उसमें इंटरनल कितनी फास्ट चार्जिंग होगी, क्या सब कुछ होने वाला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में फुल डिटेल मिलने वाली है। और इंटरनल में इम्प्रूवमेंट होने वाला है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम एंड्रॉइड हेडलाइंस की वेबसाइट पे जाते हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 एंटरप्राइज इयर्स ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। तो पर मैंने आपको आंसर दे दिया है कि भाई सैमसंग की कोई वेबसाइट होगी, वहां पर कुछ कोडिंग्स या फिर वहां पर कुछ तरीके से जुगाड़ लगाया होगा तो मिल गया होगा ये सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 और टैब S8 Plus। और ऊपर से हम नीचे जाते तो भाई सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 और टैब S8 Plus 2 वीक्स पहले उसकी स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी थी इंटरनेट पे। सो हम नीचे जाते तो हमें एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन और मिलती है भाई जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 है। सो ये आयरलैंड की वेबसाइट जो सैमसंग की वहां पर है, वहां पर ये लिस्ट हुआ है। तो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 और टैब S7 Plus एंड्रॉइड टैबलेट्स में सबसे बेस्ट टैबलेट बोले जाते हैं। मैं देखा हूँ कि भाई ये दोनों जो टैबलेट है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज होते हैं, बट स्टिल जो एंड्रॉइड में टैबलेट का सेक्टर होता है वो मुझे ज्यादा अपील नहीं कर पाता है परचेज करने के लिए, क्योंकि वहां पर आईपैड ओएस जैसा कोई टेक्सचर नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, आईफोन में कैसा iOS आता है और आईपैड में आईपैड ओएस कैसा आता है, पहले डिफरेंस नहीं था, बट अभी जो डिफरेंस है वहां पर कितना ऑप्टिमाइजेशन है आईपैड ओएस में, वैसा मुझे सैमसंग में नहीं मिलता है टैब में, क्योंकि वहां पर सैमसंग का कोई फोन को बड़ा कर दिया ना वैसा लगता है सीन। आपकी जो चॉइस होगी वो अलग होगी, सब कुछ अलग होगा, एंड्रॉइड टैबलेट में स्पेशली वो चीजें अलग एक्सपीरियंस होती है। और मेरी जो एक्सपीरियंस मैंने जो की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ मिक्स मत करना और कोई यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को गलत वे में मत लेना। थोड़ा हम नीचे और जाते तो हमें एक्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मिलता है कि भाई सैमसंग गैलेक्सी जो टैब S8 है, अकॉर्डिंग टू सैमसंग आयरलैंड ऑफिशियल वेबसाइट, तो सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 एंटरप्राइज एडिशन, ये थोड़ा यूनिक सा एडिशन होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में मत पूछना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई एंटरप्राइज एडिशन क्या होता है, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपको बताऊंगा और आप भी रिसर्च कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली बात है, सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 और S8 Plus विल कम विथ ए माइक्रो SD कार्ड स्लोट। तो भाई ये जो एग्जैक्टली माइक्रो SD कार्ड का जो फीचर है वो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने हिसाब से स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो, ये फीचर सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 सीरीज में आपको मिलेगा। दिस विल अलाउ टू यूजर टू एक्सपेंडेबल स्टोरेज अप टू 1 TB, यहाँ पर 512 GB का मिलता था, यहाँ पर अभी आपको 1 TB का एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिल सकता है। फिर हम नीचे जाते हैं तो भाई द वेबसाइट रिवील्स दैट द अपकमिंग टैबलेट विल कम विथ ए नैनो सिम कार्ड स्लॉट, तो यहाँ पर आपको नैनो सिम कार्ड का स्लॉट मिलने वाला है। दिस कंफर्म्स दैट गैलेक्सी टैब S8 एंटरप्राइज एडिशन टैबलेट विल बी अवेलेबल इन बोथ LTE एंड 5G वेरियंट्स, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कस्टमाइजेशन आपके हिसाब से मिलेगा और आप अपने हिसाब से ये चीजें प्रीफर कर सकते हो। जो एंड्रॉइड टैबलेट्स में प्रीफर करते हैं वो लोग के लिए ज्यादा अच्छा टैबलेट हो सकता है, बट स्टिल जो S8 प्लस है वो ज्यादा आपको फीचर देगा, जैसे कि उसका बड़ा डिजाइन, बड़ी बैटरी, तो वो भी चीज आप देख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा बड़ा टैबलेट पसंद है एंड्रॉइड में तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं। जो टैबलेट को प्रीफर करता है एकदम लाइट वेट में और एक कॉम्पैक्ट वर्जन में जो फ्लैगशिप भी हो, तो ये टैबलेट आपके लिए बेटर डील हो सकती है, उसके हिसाब से मैं आपको ये चॉइसेस दे रहा हूँ। और जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 और टैब S8 Plus जो होंगे वो 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट वाला पैनल देंगे। जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S8 जो होने वाला है उसमें आपको मिलेगा 11 इंच का LCD पैनल, एमुलेट नहीं है, सैमसंग यहाँ पर एप्पल को इतराता रहता है, यहाँ पर आपको एमुलेट नहीं मिलता है और ये मुझे बेटर डील नहीं लगी है। स्टिल आपको LCD के साथ 120 हर्ट्ज मिलता है,
तो यहाँ पर मैं उसके हिसाब से चीजें समझ लेता हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। जो सैमसंग गैलेक्सी एस 8 प्लस है वो आपको देता है फ्रंट में 12.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और स्पेशली सैमसंग गैलेक्सी टैप एस 8 प्लस जो है उसमें एक रूमर है कि भाई अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता है। वो डिस्प्ले में कहाँ होने वाला है उसके रिगार्डिंग एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अगर ये लोग दे भी देते हैं ये फीचर तो भाई बहुत बड़ा सेंसर देना पड़ेगा। यहाँ पर जो टैबलेट का डिस्प्ले का जो साइज होता है बहुत हैवी रहता है और 12.4 इंच में हमें ये फीचर आने वाला है, बहुत बड़ा सेंसर सैमसंग को देना पड़ेगा। तो भाई उसके हिसाब से मुझे लगता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर एक्सपेंसिव रखना है सैमसंग को तो वो रख सकते हैं, बट अगर कॉस्ट कटिंग के मामले में अगर सैमसंग थोड़ा रखता है, अगर ये फीचर साइड माउंटेड में लाता है तो भाई बहुत अच्छा लगे। नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो हमें एक्जेक्टली पता चलता है कि भाई सैमसंग गैलेक्सी का जो टैबलेट एक्सपेंसिव में अभी आने वाला है लेटेस्ट वाला, उसमें हमें मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला एसओसी वाला चिपसेट। तो ये चीज मुझे यहाँ पर वियर्ड इसी गले लगी है क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई एक्सपेंसिव वेरिएंट में ये चिपसेट आने वाला है। तो भाई हमें क्या सैमसंग गैलेक्सी टैब एस 8 में कोई और पुराना प्रोसेसर मिलेगा जैसे कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन जो पिछले साल आया था 865 वो, या फिर 865 प्लस, या फिर अभी जो 870 आया है वो भी आ सकता है। यहाँ पर आप एक्जैक्टली सोल्ड के साथ सारी चीजों को ले सकते हैं। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई जो सैमसंग गैलेक्सी टैब एस 8 प्लस होगा वो मिलेगा आपको 10,090 mAh की बैटरी के साथ। और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी टैब एस 8 में हमें मिलेगा 8,000 mAh की बैटरी। और चार्जिंग स्पीड के मामले में आपको मिलता है 25W का फास्ट चार्जर इन बॉक्स में। जो टैबलेट होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी टैब एस 8 और टैब एस 8 प्लस आपको देंगे 8GB रैम बेस वेरियंट और 12GB रैम फ्लैगशिप वेरियंट, और दोनों में जो स्टोरेज होगी वो भी सेम है 128 और 256GB और 512GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर रिलीज डेट के बारे में बात करें तो भाई पिछले साल सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा के साथ आया था सैमसंग गैलेक्सी टैब एस 7 और टैब एस 7 प्लस, तो ये साल में भी शायद से नोट सीरीज के साथ आ सकता है। अगर सैमसंग नोट सीरीज को डिच कर देता है तो भाई मुझे लग रहा है कि भाई इसका डेट जो है वो वही टाइम पर रहेगा। अगर वो नहीं होता है, डेट शिफ्ट हो जाती है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये साल के थर्ड क्वार्टर या फिर फोर्थ क्वार्टर में एक्सपेक्टेड आप इसको कर सकते हो। बट स्टिल यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई मई में एक्सपेक्टेड आप उसको कर सकते हो, और यहाँ पर आपको बोला गया है भाई सोल्ड के साथ सारी चीजें लो, तो सोल्ड के साथ आपको लेना है तो भाई आप ले सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है, इशू है, समझ में नहीं आया तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। तो बस फिलहाल इतना था, वीडियो लंबी नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट चाहिए चैनल जरूर से, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।